my god, I see it. Something going on here. आजो 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 guys. यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग पंप कर रहे हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है. चल के देखते हैं पास में है क्या वहाँ पे. ओह माय गॉड, तो हमको इस तरह से चक्का पर भी चढ़ने का मौका मिलेगा. आई लाइक योर सरप्राइज, थैंक यू वेरी मच. यू आर मगरमच्छ. ओके, ओह माय गॉड, वी कैन डू द एक्का वॉक. तो एक बार फिर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल. तो आज हम आपको लेके आए हैं अमेरिका के ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड के पूरा इतिहास है. फायर ब्रिगेड का मतलब जो आग बुझाने वाली जितनी भी इतिहास में जितनी भी प्रकार की गाड़ियां होती हैं, उस प्रकार की गाड़ियों में सारा यहां पे आपको मिल जाएगा. तो एक एक करके शुरू करते हैं. यहां पे हम सबसे पहले दिखाएंगे ऐसे भी होती थी गाड़ियां, गाड़ी बुझाने वाली. अब ये देखिए इस तरह से पंप करते थे लोग. Yes. देखिए ये पानी आ रहा है, पानी देखिए ये पाइप है यहाँ पे, ये पाइप है और ये पाइप जो है इस मशीन में लगा हुआ है. यहाँ से पंप करेंगे भैया, जैसे जैसे पंप कर रहा है वैसे यहाँ पे जाएगा. एंड आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि पुराने ज़माने में इस टाइप की गाड़ियाँ होती थी, और आप ये सोच रहे होंगे कि ये गाड़ियाँ लेके जाते थे आग बुझाने, और ये जो हरी वाली पाइप देख रहे हैं आप, यही आपके नज़दीकी गढ़े वढ़े में डाल देते थे, तालाब में डाल देते थे, और फिर इस तरह से व्हाइट वाला पानी जो है आग बुझाने का काम करता था. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इंजन नंबर 2 की ये कैसे काम करता है. इसमें से बहुत काला काला धुआं निकल रहा है. ये है जेम्स वाट का ट्रेन चलाने वाला इंजन जो कोयला से चलता था. ये देखिए ये है नीचे कोयला, ठीक है, यहाँ से कोयला निकाला जाता था. अब यहाँ देखिए जो है लालू जी का लालटेन भी है. तो कोयला यहाँ ओके और जो है ये सारी जेम्स वाट का मशीनरी इधर लगा हुआ है. और ये देखिए सारे जो ट्रेन के इंजन हैं जो कि किस आधार पे चल रहा है. ओह माय गॉड, ये देखिए पानी भी निकल रहा है इसमें से. ये सब जो है जेम्स वाट का जो वास्प से बना इंजन है उसी आधारित पर है. ये इसका एक छोटा वर्जन भी आता है मार्केट में, मिलता है $50-100 का. उसको ला करके आप लैंप उसके नीचे जला देंगे, इंजन चलने लगता है, उससे पानी भी निकलता है, निकल सकता है अगर आप उसमें ट्यूब वगैरह लगा देते हो. तो उसका एक्शन मैंने एक बार किया है, अगर आप सब चाहेंगे तो मैं उसको फिर से बना के एक बार दिखा दूंगा. मेरा एक दूसरा चैनल है लैब एट होम में, उसमें मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है. वो भी जेम्स वाट के वास पानी से चलता है वो. ये देखिए जो है अगर आप समुद्र में जब आग लगता है, समुद्र में आग का मतलब आप तो जानते होंगे, जहाज में भी लग सकता है, तेल बहुत स्पिल होता है वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद. इस तरह से जो है पानी बुझाया जाता है. वो आप इसकी हाइट देख लो कि कितना ऊपर तक पानी जा सकता है यहाँ पे, ठीक है. तो सोले फिल्म का ये इंजन है. तो पहले के जमाने में जो है ये जो है गाड़ी ट्रेन चलाने वाला छोटा इंजन होता था. ये अभी देखिए एक्स्ट्रा पानी जो है इसी में से निकल रहा है, ये इधर जा रहा है. तो यहाँ पर भी देखिए एक जो ये वाला जो इंजन है जो हाथ से चलाते थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, वही वाला सेम चीज़ यहाँ पर भी है. एक लोग जो है यहाँ पे बैठ के चलाते हैं और दूसरे लोग यहाँ पे बैठ के चलाते हैं. देखिए एक हैंडल वहाँ पे है, एक हैंडल यहाँ पे. यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि जो पानी जो लोग बुझाते हैं लोग, तो कैसे जो बुझाते हैं. देखिए अर्नो भैया तैयारी कर रहा है, इसमें कितना स्पीड होता है, कन्या करने जा रही है. इसको आपको मशीनरी दिखा देता हूँ जो कि कैसे चलता है. ओह माय गॉड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पीछे एक जो है पुराने ज़माने का स्टीम इंजन है, जो वास पानी के वास से या कोयला और पानी के वास से चलने वाला पुराने ज़माने की रेलगाड़ी का इंजन है. आप कक्षा 4 या 5 में पढ़ेंगे जेम्स वाट की कहानी. जब उसकी मम्मी चाय बनाती थी तो उसका ढक्कन उड़ जाता था, फिर उसने ढक्कन के ऊपर कुछ वजन रख दिया ताकि वो गिरे ना, फिर भी वो जो है
जब आग लगती थी वास बनता था, फिर जो है उसके ढक्कन को उठा के पटक देता था। तो उसी आधार पे जेम्स वाट ने डिस्कवरी किया जेम्स ये स्टीम से बना ट्रेन का इंजन। तो और इसको आप जो है शोले फिल्म में जो वीरू से टक्कर वाला जो सीन है वो ये जेम्स वाट वाला ही इंजन है। और आप देख सकते हैं इसकी मशीनरी कैसी है। इसमें देख सकते हैं कितना धुआं निकल रहा है छोटे से इंजन में, और सोचो किस तरह से बड़े जो इंजन होते हैं रेगुलर वाले उसमें कितना धुआं निकलता होगा। और सब देखे जो है वातावरण में इसका धुआं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पुराने जमाने का एक आग बुझाने वाला एक का फोर्सिकल क्यों? Because bicycle bi means two, try three, four. Oh, four cycle. Okay, अन्या कह रही इसको four cycle बोलते हैं। हाँ, तो ये है पुराने जमाने का इक्का जो घोड़े से चलता था, घोड़ा यहाँ बांधे जाते थे। और जो है यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जब गाड़ियाँ चलती थी तो घंटी आती थी आवाज, जो कि जय बजरंगबली की आवाज यहाँ से आती थी। और ये है लालू जी का लालटेन, उस समय जो है लालटेन ही होती थी, बिजली नहीं होती थी, मतलब उसमें बल्ब नहीं होता होगा इक्का में। और सबसे जरूरी चीज मैं आपको दिखा दूं कि ये है आपका ट्यूब कागज, ये जो है कपड़े का बना हुआ है जिससे पानी भर करके और इसे फब्बारा मार के बुझाया जाता था। ये आपका ये देखें यहाँ पे लिखा है 1893 का है। हेलो, this is clay. This is clay. One of our blacksmiths got a hand on. Okay. If you wanted to try out or do something, feel free to Okay. You can make anything you like, Anya. तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है, आपको दिखा होंगे लोहार के घर में इस टाइप का देखे होंगे आप, जो है लोहे का, जो लोहे को गर्म करके पिघला करके कुछ भी पीट पीट के बनाया जा सकता है। तो उसी का एक प्रारूप है बच्चों के लिए, जो मिट्टी रखा हुआ है उसको पीट पीट करके कुछ भी आप बना सकते हैं। But it needs wings. Yeah, it needs a wing. What is this? That is called a Betty light. It is an oil burning lamp. For 4,000 years of human history, we mostly burnt vegetable oil or animal fat. Mm-hmm. And this, the earlier version would be something like this, yeah, that was a single bowl. Later they evolved to the double bowl so that it would catch the drips. Then in about the Civil War era, they evolved to Betty lights. And these Betty lights have a ramp that the hemp sits on, so you would have your oil in the bottom. And that way it would drip back into its own bowl, okay. Which makes it half of the manufacturer. Those were then more accessible and portable. So, you know, this is a light, a burner. और इंडिया में अभी भी यूज होता है ये, काली लोनिन को धोने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ पुराने जमाने के चाकू रखे हुए, ये शायद हड्डी है मेरे हाथ में और उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है, और ये भी कुछ चाकू वाकू टाइप का लग रहा है, ये सारा चाकू ही है। That is a squid. A lot of blacksmithing today, instead of being functional, is artistic. And so sometimes we get in between where we have function and art. But this is just देखो स्क्विड बना हुआ है लोहे का। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँगा आपको कि कुछ मैं पुराने जमाने का ढेबरी, अमेरिका का ढेबरी कुछ इस तरीके से होता था। ये भी है पुराने जमाने का ढेबरी, ये भी जो है ब्रिटेन का ढेबरी है। ये इसका ढक्कन है, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये जो है कैंडल का स्टैंड है, कैंडल यहाँ पर रख दो, कैंडल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अगर आपका छोटा कैंडल है तो इसमें आएगा नहीं, तो आपको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसको खोलिए मुँह, ये जो है ये यहाँ पे कैंडल छोटा वाला ऐसा लगा के छोड़ दीजिए, जब तक रहेगा चलेगा वो। ये भी देखिए, ये जो है 3,000-4,000 साल पुराना अमेरिका का जो है दिया है, इस तरह से दिया जलाए जाते थे टांग करके, देखिए टांगने के लिए बना हुआ है।
तो देखिए ये सारे इंजन है यहाँ पे, ये सारे तो यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं सब भाप से चल रहे हैं इंजन. तो ये जो है बड़ा वाला भाप का इंजन है, यहाँ पे छोटे वाले भाप के इंजन है. मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो ट्यूब है इससे भाप आ रहा है, भाप यहाँ से बन के आ रहा है, ये भाप जो है यहाँ पे जा रहा है, इससे जो है ये पिस्टन जो है इधर जा रहा है प्रेशर की वजह से, फिर जैसे प्रेशर कम होता है वापस चला आता है, फिर प्रेशर कम होता है, फिर प्रेशर ज़्यादा होता है इधर चला जाता है, इससे प्रक्रिया बार बार होती रहती है, तो पिस्टन आगे और पीछे जाता रहता है, उस फलस्वरूप ये चक्री नाचना शुरू हो जाता है. जब ये नाचता है छोटा वाला चक्री, उससे बड़ा वाला पहिया लगा देते हैं, बड़ा वाला पहिया नाचना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से काम करता है भाप का इंजन. इसमें देखिए एक पहिया लगा हुआ है, उसी प्रकार से ये देखिए दो पहिया इसमें लगे हुए हैं, इसमें दो दो पिस्टन लगे हुए हैं. ये दोनों पिस्टन जो है छोटे छोटे चक्री को नचा रहे हैं, ये छोटी चक्री बड़ी चक्री को नचा रहा है. ये जो दो पहिया लगे हुए हैं, गाड़ी का इंजन का पहिया मान लीजिए, इसको इंजन मान लीजिए, बस यही है कॉन्सेप्ट भाप का इंजन का. इसका जो ये पिस्टन है ये देखिए हॉरिजॉन्टल में समानांतर में, अगर इसको वर्टिकल में कर दें ऊपर से नीचे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, जब उस तरीके से हो जाएगा तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं कि इसका जो पाइप है, ये बड़ा वाला व्हील है, उसको आप किसी प्रेशर में लगा दीजिए और ये जो है ज़मीन में गाड़ करके अगर आपको पानी निकालना हो तो इस तरह से जो है आप पानी निकाल सक करके आप पंपिंग सेट बनाया जा सकता है हाफ वाले इंजन से. तो यहाँ पे ये सिक्का दे रहे हैं मैडम. ओह माय गॉड, तो ये जो है $5 का एक सिक्का है, एक सिक्के से आप जो है इक्के पे बैठ के यात्रा कर सकते हैं. तो जो है इक्का पे बैठने का खर्चा जो है $5 है. उसी प्रकार से हमारे ज्ञानपुर से गोपीगंज तक जाने का इक्का का जो खर्च होता था जब मैं पढ़ाई करता था तो ₹5 ही होता था. नो यू कैन नॉट कीप इट. ओके, हम सब जा रहे हैं इक्का पे बैठने, और इक्का पे बैठने के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा लाइन, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए लंबी लाइन है, इक्का उधर है. ओके, जब तक यहाँ पे लाइन लगी है तब तक के लिए मैं आपको जो है एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे. ये है कि अमेरिका का जो फायर का जो ट्रक होता है, आग बुझाने वाली जो ट्रक होती है, वो कैसे होती है. ठीक है, रियल ट्रक है. ठीक है, और आप देख सकते हैं अंदर का तामझाम, टोपी रखा हुआ है, पूरा ड्रेस रखा हुआ है. ठीक है, इधर देखिए बैठने का बना हुआ है. ठीक है, इधर भी एक सिंगल आदमी बैठ सकते हैं, पीछे का है, आगे इंजन आगे है. अनु भैया अंदर चला जा चुका है. ओह माय गॉड, देखिए बेल्ट है सबका, ऑक्सीजन मास्क है, और उधर कान में लगाने के लिए क्योंकि आवाज़ बहुत करता है गाड़ी. ठीक है, और उधर देखिए, ओह माय गॉड, ये क्या है, ये बूट है. ओह माय गॉड, ये बूट का साइज तो देखो, शूज है ना, दिस इज जस्ट शूज, देख रहे हैं कितना वजनी है ये. अन्य तरह शूज उठाना, देखो तुम उठा पाती है, उठाओ, देखो तुम उठा पाती हो कि नहीं. इसको उठाओ हाथ से, गुड जॉब. ओह माय गॉड, ये है फ्रंट का है इंजन, सामने से ऐसे दिखता है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे रेगुलेटर लगे हुए हैं, कितने प्रेशर से पानी छोड़ना है, कितने प्रेशर से पानी नहीं छोड़ना है, यहाँ से प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है. वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो इस जो एक कप हम बैठने जा रहे हैं, ये एक का जो है पहले के ज़माने में, मतलब 1883 के समय में इसको जो है आग बुझाने के काम में आता था इस डिज़ाइन का एक कप, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है पब्लिक को बैठने के लिए नहीं, बल्कि जो है वहाँ पे एक पानी का बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ है, अपने जो सामने जो रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो टैंक जो है उसमें पानी भरा रहता है, और जिस पे हम बैठे हैं उसमें जो है ट्यूब है, जिससे पानी जो है जब कहीं अगर आग लग गया है तो उसी पाइप के माध्यम से आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है. तो इसी एक के पास हम बैठने वाले हैं, आग बुझाने वाला एक का है, पैसेंजर वाली एक का नहीं है, इसमें दुल्हा दुल्हन बैठते तो वाला नहीं है, बल्कि आग बुझाने वाला एक का है. एक्का पे चढ़ने से पहले पहले पेट पूजा करेंगे, क्योंकि भूखे पेट न होए गोपाला. तो जो है यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं फूड ट्रक,
क्योंकि एक ट्रक होता है जैसे इंडिया में खुमचे होते हैं, एक जगह लगा के ठेले होते हैं, ये देखिए आगे आइसक्रीम। आई कैन टेक अ वाटर बॉटल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, और इस तरह से जो है अंदर रहता है। और यहाँ पे जो है एक खिड़की खुली हुई है, यहाँ पे आप लाइन लगाओ बाहर और यहाँ से खरीदो। ओके okay, तो इक्का आ गया है वापस एक राउंड मार के, हो सकता है कि मेरा नंबर आ जाए इस पे बैठने का। तो कॉइन जो है यहाँ पे वापस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ढेर सारा कॉइन रखा। तो इस तरह से जो है दो घोड़े हैं, बहुत बड़े वाले, हाइट वाले हैं। इसे देखिए खुर में जो है हारसू होते हैं, ये है नाल, कितना मोटा नाल लगा हुआ है। देखिए जो है इसको टायर को रोकने के लिए वहाँ पे एक जो है अड़चन भैया ने लगा रखा है, और एक छोटा सा सीढ़ी है जहाँ पे लोग चढ़ने उतरते हैं। एक्सक्यूज मी, इज दिस बैग फॉर द पूप? ओके। दोनों जो है फीमेल हॉर्स हैं। हैप्पी? Oh my God, come on. देखो बैठने के लिए जो है पाइप रखा हुआ है, ये पाइप का गद्दा है जो पानी बुझाने वाला पाइप होता है। तो इस तरह से हम सब जो है घोड़ा के ऊपर मतलब बैठ चुके हैं, और यहाँ पे सीट बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ देखें इनका टूल बॉक्स है, जैसे गाड़ियों में टूल बॉक्स होता है उसी तरह से इनका भी टूल बॉक्स है। इसमें जो कुल्हाड़ी रखी है, बल्टी रखी है, पाइप भी है। और घोड़ा हमारा चल चुका है, ये इसमें आप देख सकते हैं हैंडल बना हुआ है, ये पकड़ के बैठने के लिए है शायद, ये या तो फिर इसको कवर करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि घोड़े के जो है नाल की आवाज़ भी आ रही है, और पूरे रास्ते पर इन्होंने खनड़ दिया है रोड सारा। तो इस तरह से हमने जो है हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई, खेला ख़त्म और पैसा हजम। ओके, अब बारी है उतरने की। तो कैसा लगा हमारा अमेरिका का इक्का का सैर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इक्के की सवारी करते रहिए। बाय बाय।